अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माहीन रिजवान है। मैं यूनिकेयर मेडिकल सेंटर में एज कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट काम कर रही हूँ। मेरे पास जिन मरीज़ों को मैं देखती हूँ उनके अंदर डिप्रेशन के अलामात वाले मरीज़, स्किजोफ्रेनिया के अलामात वाले मरीज़, वो मरीज़ जो खुद से बैठे हुए बातें करते हैं, खुद से बैठे हुए मुस्कुराते हैं, शक शुबा करते हैं लोगों की बातों को, लगता है कि ये हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, सारी दुनिया उनके खिलाफ है, उनको नुकसान पहुँचाना चाहती है या उनको मारना चाहती है, या बाइपोलर के पेशेंट जो जिनके अंदर लगता है कि उनको कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी अल्लाह ने उनको खूबी दे दी है या उनको कोई ताकत दे दी है, कोई ऐसी ताकत दे दी है जो आम इंसानों में नहीं होती है, या वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, नींद की कमी होने लग जाती है उनको, और फिर वो मरीज़ जो ईटिंग डिसऑर्डर्स के होते हैं जिनको खाने पीने, जैसे आजकल की खवातीन है डाइटिंग की वजह से वो खाना पीना बंद कर देती हैं जिसकी वजह से और फिज़िकल कॉम्प्लिकेशंस वगैरह स्टार्ट होने लग जाती हैं। इसके अलावा वो मरीज़ जो एंगजाइटी के मरीज़ हैं, जैसे बैठे बैठे जिनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथों में पसीना आने लग जाता है, सांस फूल जाता है, पैनिक अटैक होने लग जाता है, बंद जगहों का खौफ होता है जिन लोगों को, इस तरह की और बाकी सारी जितनी नफ्सियात की बीमारियाँ उन सबका मैं यहाँ पर इलाज करती हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का इनमें से कोई मसला है या आपके जानने वालों में से इनमें से किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिनको बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, छटके पड़ते हैं, उन सब का भी यहाँ पे इलाज होता है। तो अगर आप लोगों को लगे कि कोई बंदा ऐसा है या आपके अंदर खुद कोई मसला है, यहाँ पे हम बैठ के कभी भी किसी को जज नहीं करते, हम हमेशा मरीज़ की हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब ना ही कोई आपके जज करेगा, ना ही आपकी कोई बात हो कोई पर्सनल लेवल के ऊपर लेके जाएगा, ना ही आपकी इजाज़त के बगैर किसी को कोई बात बताई जाएगी। कंसेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी को यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाता है। अगर आपका कोई सवाल है या आप मिलना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, और जब भी आपको ज़रूरत हो दिए गए नंबर्स के ऊपर मेरी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। शुक्रिया।